एक मेरा यारा एक वो दियारी यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रुठे नू मनाना। अरे शोभा अकेले अकेले बैठे बैठे खा रही है, हमें भी बुला लेती तो क्या जाता, मुझे भी दे। अरे तुम लोग पागल हो क्या, ऐसे बिना पूछे खा लिए। अरे ये शोभा को क्या हो गया? वही तो, कभी ऐसा नहीं करती। अरे शोभा का फोन, डॉक्टर का कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो शोभा, मैंने तुम्हें ये रिमाइंड करने के लिए फोन किया था कि तुम्हें टीवी है तो तुम अपना खाना किसी से भी शेयर मत करना। क्या हुआ रिया, क्या बोला डॉक्टर ने? शोभा को टीवी है। क्या, चल उसके पास। सांस हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। ये ले तेरा फोन। हमें सब पता चल गया है कि तुझे टीवी है। और एक बात समझ ले शोभा, तुझे कोई भी बीमारी हमसे अलग नहीं कर सकती। तेरे लिए तो हम भगवान से भी लड़ जाए शोभा, तो ये बीमारी क्या चीज है। एक बार गले लग जाने दे यारा मुझे, मैं मांगता मैं तेरी। थैंक गॉड आप ठीक हो और आपकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। आपको टीवी हुआ था लेकिन आप अभी बिल्कुल ठीक हो। इतना कम टाइम में आप ठीक हो गए, शायद ये आपके दोस्त लोगों के प्यार की वजह से ही हुआ होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू आर वेलकम। देखा हमने बोला था ना तो एकदम ठीक हो जाएगी, अभी देख तो ठीक हो गई। हाँ हमारी दोस्ती में कितना ताकत है देखा। वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रुठे नू मनाना कुछ दिनों बाद तेरा शादी हो जाएगा, फिर तू हम सबको छोड़ के चली जाएगी ना। हाँ शोभा सही कहा विपाशा ने, तू फिर हमें भूल तो नहीं जाएगी ना। अरे ये कैसे बातें कर रही हो तुम लोग, शादी हो रही है मेरी कहीं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, मिलते रहेंगे। और वैसे भी ये सोच कैसे लिया कि मैं भूल जाऊंगी। फिर भी शादी के बाद तो तू अपने घर के काम में बिजी होगी ना, भूल से भी भूल मत जाना हमें। बस करो यार तुम लोग, अभी मेरी शादी होने में पूरी एक महीने बाकी है, अभी तो एंजॉय करते। हाँ बहुत एंजॉय करेंगे साथ में, पता नहीं फिर कब मौका मिले। हाँ हाँ ठीक है। मुझको और मिलेगा।
एक बार गले लग जाने दे यारा मुझे। आज तो मजा ही आ गया गाइस। हाँ सही कहा गाइस, मुझे तो और नाचने का मन कर रहा है। अरे गाइस तो फिर आएंगे ना। योबा अरे निया क्या हुआ? योबा तेरी शादी होने के बाद ना मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। शोभा हमें तेरी बहुत याद आएगी, हम हमेशा एक साथ तो होते हैं। एक मेरा यारा, एक वो दियारी। वही तो, शादी के बाद तो तू हमारे साथ नहीं रहेगी, तेरी बहुत याद आएगी शोभा। शोभा अरे गाइस गाइस, मैं तुम सबसे मिलने आऊंगी। अरे सुनिए जी, चाय लेके आइए, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। हाँ जी लेके आई। हाँ जल्दी लेके आना। और हाँ खाना बना लिया है ना तुमने? हाँ जल्दी लेके आऊंगी, खाना बनने ही वाला है। अरे जी कहाँ रह गए, जल्दी करो मुझे ऑफिस भी जाना है। देख देख शोभा, तेरा फ्यूचर में तो ऐसा ही होगा। सुनिए जी, सॉरी जी, खाना तो जल गया। हाँ अच्छे से खाना बनाना सब पति के लिए। हाँ और ऐसा शिकायत का मौका मत देना जीजू को। अरे अरे कितना मजाक बनाओगे तुम लोग, सिर्फ मेरी शादी होगी, तुम लोग का भी तो शादी होगा ना, तब देखना। लेकिन अभी तो तेरी है ना, देख ले शादी के बाद क्या होगा। रुको, कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। शोभा तेरी शादी के तो बस अभी 15 दिन ही बाकी है। वही तो, उसके बाद तो तू हमें छोड़ के चली जाएगी ना। हम लोग भी तेरी शादी तक ही रुके हुए हैं, इसके बाद हम लोग भी जाएंगे 5 साल के लिए बाहर अपने अपने काम के लिए। तो गाइस एक काम करते, 5 साल बाद हम इसी कॉफी शॉप में मिलेंगे, वादा करो। हाँ ये अच्छा आइडिया है। और हाँ जो सबसे लास्ट आएगा ना वो सबका बिल पे करेगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब मुझे बिल पे करना पड़ेगा। गाइस हम तीनों तो आ गए लेकिन अभी तक शोभा नहीं आई, तो इसका मतलब सारा बिल वो पे करेगी, थैंक गॉड। सही कहा तुम लोगों ने, पूरा मजा आ गया, अब सारा बिल उससे खर्चा कराएंगे। अरे यार काफी टाइम हो गया, शोभा अभी तक नहीं आई।
वही तो, ये लड़की काफी लेट कर रही है। सुनिए आप लोग पार्टी कंटिन्यू कीजिए, शोभा का कॉल आया था, अभी उनको आने में लेट होगा। अच्छा गाइस, काफी ज्यादा लेट हो गया है ना। लगता है शोभा नहीं आएगी। हाँ चलो बिल पे कर देते हैं। आपसे बिल का पेमेंट हो चुका है। क्या, लेकिन किसने किया? मैंने किया। लेकिन बेटा आप कौन हो और आपने हमारा पेमेंट क्यों किया? मैं आपकी दोस्त शोभा की बेटी हूँ। क्या तुम शोभा की बेटी हो? शोभा, शोभा कहाँ है बेटा? मेरी मम्मी 6 महीने पहले मर गई है और उन्होंने बोला था कि आज के दिन आप लोग इधर आओगे और उन्होंने बोला था कि आप लोग का बिल पे कर देंगे। लेकिन बेटा शोभा को हुआ क्या था? शोभा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी डॉक्टर, बोलिए। शोभा, क्या तुम श्योर हो कि तुम दोस्त लोगों को सच नहीं बताना चाहती हो और उन्हें ये झूठ में ही रखना चाहती हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम अभी भी एक टीवी पेशेंट हो? ठीक है, मैं तुम्हारी कहने पर उनको सच नहीं बताऊंगी। हाँ डॉक्टर, और प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें सच पता चले। ठीक है, मैं तुम्हारी कहने पर उनको सच नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बस तुम अपना ध्यान रखना और अपना तबीयत का भी। जी डॉक्टर। बेटा आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगी।